तो ये बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है और आप लोगों को मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरह आपने एप्लीकेशन को करेक्टली लिखना है। और ये वो मिस्टेक्स होती हैं जिनसे नंबर कट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल, टी कैपिटल, पी कैपिटल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप देख लें। उसके बाद फॉर्म कॉमा लगाना है, गवर्नमेंट कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना, स्कूल का नाम नहीं लिखना, GOVT COLLEG कॉलेज और CT A.B.C। और जो ये ब्रैकेट्स हैं ये आप CT पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपने जो है पूरा कंप्लीट नहीं लिखना उस पूरी लाइन को। फॉर एग्जांपल सिक लीव किया तो किस क्या लिखना है आपने, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अर्जेंट के लिए तो आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो उसके बाद आ जाए रिस्पेक्टेड सर का, आर कैपिटल है, सर कैपिटल है, कभी भी डेयर सर मेंशन नहीं करना। और जो फर्स्ट लाइन आपने स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल सर से, जहाँ पे कॉमा जो है वो एंड हो रहा है वहाँ से आपने अपना पहला वर्ड स्टार्ट करना है अपनी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मोर देन 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 पेज की भी एप्लीकेशन इनफ होती है, क्योंकि एप्लीकेशन आपने टू दी पॉइंट लिखनी होती है और ये फॉर्मल और जो है आपने इसको प्रोफेशनल वे में लिखना होता है, ना कि इसमें अपनी अपनी बातों को आपने यहाँ पे राइट डाउन करना होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके एंडिंग पॉइंट पे, आप मुख्तलिफ 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में इसको वाइंड अप कर सकती हैं। और यहाँ पे आप देखें योर्स ओबीडियंटली, जो योर्स का वाई कैपिटल है और एस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना आपने। और उसके बाद ओबीडियंटली का ओ स्मॉल लिखना है आपने, और उसके बाद आपने कॉमा लगा देना है एक्स वाई जी। और लेफ्ट साइड पे आपने जिस तरह मैंने यहाँ पे डेट लिखी है आपने इसी तरह मेंशन करनी है, तो इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे, यू कैन गेट फुल बटा फुल मार्क्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, और बाकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, उनको भी लाजमी देखें और अपने इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कीजिए। जजाकअल्लाह।